मानकापुर थाना क्षेत्र में जिंगाबाई टाकड़ी में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी विक्की महतो और मृतक आनंद खरे है, दोनों आपस में रिश्तेदार है। आनंद ललित खरे एसआर बिल्डिंग के पीछे नाले के किनारे अपनी माँ और 12 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। रविवार रात करीब 9 बजे रिश्तेदार विक्की उसके घर के पास बैठा था। इतने में आनंद आ गया, उसकी यहाँ बैठने की बात पर आपत्ति जताते हुए गाली गलौज की। इसी बात पर दोनों में हाथापाई हो गई। विवाद इतना बड़ा कि आनंद घर के अंदर से चाकू ले आया। विवाद के बीच महतो ने आनंद से चाकू छीनकर उसे ही मार दिया। उसके बाद वह भाग गया। जख्मी हालत में आनंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर तुरंत पुलिस भी पहुंच गई। मानकापुर थाने के पीआई बजे शेख ने भी बताया कि सभी अधिकारी ग्रामीण पुलिस के कार्यक्रम में व्यस्त थे। अचानक सूचना आने पर चार टीमें बनाई गई। एक टीम को घटना स्थल, दूसरी टीम अस्पताल और तीसरी टीम आरोपी को पकड़ने के लिए लगाई गई। एक घंटे में आरोपी विक्की महतो को पुलिस ने पकड़ लिया। पीआई के मुताबिक दोनों में पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ था और न ही किसी का आपराधिक रिकॉर्ड था। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। तो मेरे वो यहाँ पे बैठे थे तो मेरे वो गाली दे रहे थे मोबाइल में किसी गंदी गंदी वो शेर अंकल। तो मेरे उत्ते में पप्पा है, तो पप्पा ने बोले यहाँ पे गाली मत दो, मम्मी की तबीयत खराब है बोले। तो वो पापा ने तीन बार बोले उनको जाओ जाओ, तो उनने बोले नहीं जा रहा, बोले तुमने खरीदे क्या? तो पापा बोले हाँ। तो फिर उनने बोले कि मारूंगा बोले। तो मम्मी गाली दी पापा को, तो पापा ने बोले माँ की गाली मत दो बोले उनको। तो फिर बोले कि मारूंगा बोले। तो पापा उत्ते में गए तो उनकी थोड़ी झगड़ा हुई, फिर मम्मी और मैं आए तो यहाँ पे खड़े हुए, तो उनने धक्का दिया मम्मी को, तो मैंने उठाया ना, तो जब भी उन्होंने चक्कू निकाले जेब से और मारे पापा को, तो पापा लंगड़ते लंगड़ते घर के अंदर चले गए थे। इतना ही सब हुआ था। हॉस्पिटल मेरी बुआ लेके गई थी, मेरी दादी पीयूष और मैं। काल दिनांक 12/1/2020 रोजी रात्री 8:30 सुमारास राजेश मत्तेलकर नावाचे एक इसम पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी माहिती दिली की आनंद ललित खरे याला विक्की महतो या इसमानं मारलेलं आहे। आणि विक्की महतो आणि आनंद ललित खरे हे दोघं एकमेकांचे नातेवाईकच आहेत। आनंद ललित खरे हा जो मयत आहे हा बाहेरून आला आणि त्यापूर्वीच विक्की महतो हा त्याच्या घराजवळ बसलेला होता। तो माझ्या घराजवळ का बसला या कारणावरून दोघांमध्ये आपसी वाद झाला आणि किरकोळ शुल्लक कारणावरून तात्कालिक ह्याच्यामध्ये विक्की महतो याने आनंद ललित खरे याचा स्टॅबिंग करून खून केलेला आहे। यामध्ये यातील जो मुख्य आरोपी आहे विक्की महतो याला आपण अटक केलेला आहे। काल म्हणजे रात्री 2:57 त्याला अटक केलेला आहे। घटनास्थळ पंचनामा केलेला आहे, त्याचबरोबर आयकरच्या मार्फतीनं फोटो काढून घटनास्थळाच्या ह्याच्यामध्ये इन्क्ल्यूड केलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर बॉडीचा इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि पुढील कारवाई करत आहोत।